बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट कैसे चेक करना है एक क्लिक में आपको बताऊंगा। वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़र हो तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो। इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट कितना कितना नंबर बढ़ा है आज की इस वीडियो में यह भी बताएंगे। इंटर फेल छात्र भी होंगे पास, सभी का नंबर बढ़ा है, ठीक है। लिंक एक्टिव कर दिया गया है, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर सभी इंफॉर्मेशन डाला जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आप लोग अभी तक इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किए तो biharjankari.com को जरूर ज्वाइन करें, आने वाले सभी जुड़ी जानकारी इस वेबसाइट पर डाला जाता है। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का रिजल्ट 16 मार्च को बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, 3 बजे, ठीक है। 3 बजे रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर बिहार बोर्ड ने एक मौका सभी स्टूडेंट्स को दिया स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। अब स्क्रूटनी के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन किए, अब स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर चलिए स्क्रूटनी रिजल्ट कैसे चेक करना है इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। यहां पर देखिए, आप लोगों को बताता जाऊंगा, आप लोग बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि स्क्रूटनी रिजल्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में सवाल रहता है कि आखिर कितना नंबर बढ़ता है बिहार बोर्ड के द्वारा। लगातार 2 वर्षों से स्क्रूटनी रिजल्ट में सुधार कर डिजिटल को जारी करता है, जिसमें जिन विद्यार्थियों को रिजल्ट में गड़बड़ी होती है अगर उनका नंबर बढ़ता है तो 5 से 10 नंबर तक बढ़ाकर रिजल्ट में संशोधित किया जाता है और रिजल्ट को पूर्ण घोषित किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर सुनिए, रिजल्ट को चेक कैसे करना है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा इसी वेबसाइट पर जारी किया जाता है, biharboardonline.com, ठीक है। यह वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद विद्यार्थी रिजल्ट को चेक करना चाह रहे हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर भी आप आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आपसे ऑनलाइन करते वक्त यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया, ठीक है, दिया गया होगा। आप लोगों को पता है कि जब आपने स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा, ठीक है। उससे आप उसी यूजर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद विषय में आप स्क्रूटनी किए हैं, जिस विषय में आप स्क्रूटनी किए हैं उस विषय को, इस विषय में आपको चेंजिंग और नो चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चेंजिंग और नो चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका नंबर उस जिस विषय में आपका नंबर बढ़ा उस विषय में आपको चेंजिंग दिखेगा, और जो विषय में नंबर नहीं बढ़ा है उस विषय में आपको नो चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर चेंजिंग देखने को मिलेगा तो समझ लीजिएगा आपका नंबर बढ़ा है, और नो चेंजिंग देखने को मिलेगा तो आपका नंबर नहीं बढ़ा है। यहाँ पर तो मैंने आपको ये जानकारी, यहाँ पर देखिए मैं लिंक पर क्लिक भी कर दिया हूँ, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पर, आप लोगों को इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना यूजर नेम डालिए और पासवर्ड डालिए, जो यूजर नेम पासवर्ड आपको आवेदन करने वक्त मिला था, ठीक है। आवेदन करने वक्त आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उसके बाद 8+17 जोड़कर यहाँ पर आपको डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जैसे खुलेगी उसके बाद आपको चेंजिंग और नो चेंजिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो चेंजिंग का अगर ऑप्शन मिलेगा तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई है, और अगर नो चेंजिंग का ऑप्शन मिलेगा तो समझ लीजिए आपके रिजल्ट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो पहले वाला रिजल्ट दिया गया था वही रिजल्ट आप लोगों का फिर से जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह आपको रिजल्ट चेक करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग स्कूल कॉलेज के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप स्कूल कॉलेज के माध्यम से भी जाकर पता कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स के पास यूजर आईडी और पासवर्ड मतलब कि नहीं होगा, गुम हो गया होगा, इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग स्कूल कॉलेज से भी जाकर अपना इंटर का रिजल्ट जो है निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रूटनी वाला रिजल्ट जारी कर दिया गया, आप लोग जाकर जब भी कभी भी इस आप लोग जाकर जो है निकलवा सकते हैं। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर न्यू जनरेशन ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।